निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। बोला बोला अभी पिछले उसके बाद बोले चालान कर देंगे तो हम कहा किस बेसिस पे चालान करेंगे तो कहा रवि पता मारेंगे तो हम कहा ऐसे नहीं मारेंगे। उसके बाद गाड़ी देखे तीन लोग थे, एक का नाम हर्षवर्धन, एक का कोई यादव ऐसे नाम था, वो दोनों बहुत मारे। ये शख्स जो अथाह दर्द में है, बार बार नाम ले रहा है उसको दर्द देने वालों का, और जिनका वो नाम ले रहा है वो कोई गुंडे माफिया नहीं, कोई बड़े क्रिमिनल नहीं, खाकी वाले गुंडे हैं। जी, खाकी वाले गुंडे, जिन्होंने दानिश नाम के इस शख्स का जो हाल किया कि पूछिए मत। पुलिस की ये गुंडाई, ये बर्बरता सामने आई है प्रतापगढ़ में, जहाँ देलुपुर के रहने वाले 19 साल के पॉलिटेक्निक के छात्र मोहम्मद दानिश उर्फ कैफ को बुरी तरह से पीटने का आरोप पुलिस वालों पर लगा है। घटना 10 मई की शाम की बताई जा रही है। आरोप है कि उस शाम जब दानिश छितपालगढ़ बाजार से अपने घर पुरैला जा रहा था तो चेकिंग के नाम पर उसकी बाइक को पुलिस वालों ने रोका और फिर ड्राइविंग लाइसेंस ना दिखाने पर पुलिस वालों ने पहले गंदी गालियां दी और इस दौरान दानिश और पुलिस वालों की बहस भी हुई। फिर दानिश को थाने ले जाकर मारा पीटा जाता है और बिजली के झटके भी दिए जाते हैं। आप खुद सुनिए कैसे दानिश अपने साथ हुई बर्बरता को बयां करता है। बोला बोला अभी पकड़े, उसके बाद बोले चालान कर देंगे तो हम कहा किस बेसिस पे चालान करेंगे तो कहा रवि पता मारेंगे तो हम कहा ऐसे नहीं मारेंगे। उसके बाद गाड़ी देखे तीन लोग थे, एक का नाम हर्षवर्धन, एक का कोई यादव ऐसे नाम था, वो दोनों बहुत मारे। उसके बाद वो अलग गाड़ी से गया, हमको ले गया कि पैदा चौकी, वहाँ चौकी से दूसरा खंभा था उसमें से पैदा करंट छुआ, फिर ले गए दुबारे पुल के नीचे, तीन से कट्टे लिए थे हमको पकड़ा दिए और पकड़ नहीं रहे थे, गोली मारने जा रहे थे, तीन आदमी पहुँच गए तो फिर वहाँ से हमको लेकर गेरे को थाने गए, फिर वहाँ हम अपने आप देख देखे। वहीं परिजनों का आरोप है कि पहले उन्हें पुलिस ने ये जानकारी दी कि दानिश को मिर्गी का दौर आया है, उसको दो चार थप्पड़ मारने की बात की और फिर कुछ और ही कहानी बता दी। आपके भाई को पहले तो अंदर नहीं जाया, बताया कि मैं गेट हाई कोर्ट का, तो वो कहते हैं आपके भाई को मिर्गी का दौरा आ रहा है और क्या कहते हैं फिर बाहर लेके आया और कह रहे हैं कि मोबाइल आप वीडियो ना बनाइए, ऐसा कुछ ना करिए, आपके भाई को नहीं मारा। उसके बाद कह रहे हैं गलती से थोड़ा, एक कांस्टेबल कहता है उन्हीं का कि नहीं मारे बहुत ज्यादा है, और एक दरोगा जी कहते हैं कि नहीं यार वो गाली दिया था तो दो चार थप्पड़ मार दिए। ये बताइए दो चार थप्पड़ की चोटें हैं, आप बताइए दो चार थप्पड़ की चोटें। मारा कौन, नाम पता है क्या? एक हर्षवर्धन नाम, उसने जो एक बार बोला तो हर्षवर्धन नाम बताया और वहां एक दरोगा जी थे और एक हेड कांस्टेबल थे हवलदार और दो तीन कांस्टेबल थे जिनको हम पहचानते हैं और सब तो मान लीजिए बाद में आए हैं, जिनको उंगली इशारा करके दिखा रहे थे। मैं खुद गया तो लॉकअप में मार रहे थे। लड़का कौन है आपके? ये मेरा छोटा भाई है। घर कहाँ है आपका? मेरा घर है पुरैला। नाम बताइए आपका? नाम मोहम्मद मोहसिन नाम। तो दानिश के भाई आरोप लगाते हैं कि पुलिस लॉकअप में उनके भाई को बुरी तरह से पीटा गया जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। पहले दानिश को आनन फानन में घर वाले एक स्थानीय अस्पताल ले गए जहां पर उसकी हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज के एक अस्पताल में दानिश का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया में ये खबर वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर राम अनुज यादव समेत दो अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत 223 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये केस उसी थाने में दर्ज हुआ है जिस थाने में उनकी तैनाती है। लेकिन पुलिसिया बर्बरता के इन आरोपों ने एक बार फिर से खाकी पर सवाल उठा दिए हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।